इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। हमने देखा कि मंदिर जला दिए गए, चर्च जला दिए जाते हैं या हमला कर दिया जाता है। लेकिन ये एक इंसिडेंट लाहौर में हुआ है कि जिसमें मुसलमान जो नर्सेस हैं उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में जो चर्च है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लिया। और उस पे जो क्रिश्चियन थे वो अपनी इबादत करने आते थे और उन्होंने, मुसलमान खवातीन ने ये क्यों किया कि वो कहती हैं कि एक कंट्रोवर्शियल वीडियो है जो कि पाकिस्तान के बारे में चढ़ाई गई अनआइडेंटिफाइड लोगों ने, बंदा फ्रांस में उसने वो चढ़ाई, और उस वीडियो की वजह से उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वो चर्च पे टेक ओवर कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो खवातीन है, क्रिश्चियन खवातीन को ये भी कहा है मुसलमान खवातीन ने कि आप इस्लाम को कबूल कर लें। मुस्लिम खवातीन वहाँ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि भाई आप इस्लाम कबूल करो, ईसाई उनको कह रही हैं। क्या हमें, हमारा दीन हमें ये इजाज़त देता है कि हम लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करें? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है? मतलब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई करनी है। बहुत ज़रूरी है, करें। अगर आपको मुनासिब लगता है, आपकी रियासत की पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी, आपकी गवर्नमेंट, आपको वोट मिलते हैं तो करें। लेकिन इमरान खान साहब, ये माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में किसने प्रोटेक्ट करना है? मैं ये खुद से तो खबर नहीं दे रहा, मैं ये ग्लोबल विलेज स्पेस है उसमें खबर आई, नया दौर एक है उसमें ये खबर आई। और ये कब तक इस तरह की चीजें जो हैं वो चलती रहेंगी? और ये कहा जा रहा है कि ये जो डिस्प्यूट है इसको कंप्रोमाइज हो चुका है, और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उस्मान बुज़दार, और उन्होंने और बाकियों ने मिल के इस मसले को हल कर लिया। अब वो जो वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो खवातीन हैं वो, जो क्रिश्चियन खवातीन की भी कोई वीडियो आई है कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे साथ इस तरह ना करें, हमें हमें प्रोसिक्यूट ना किया जाए, हमारी इबादत गाहों को इस तरह ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम सबका हक है। ये पाकिस्तान के कानून में भी लिखा हुआ है और ये इस्लाम, हमारा मजहब इस्लाम भी ये में कहता है कि हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी। सो ये जो प्रोटेक्शन है ये कब तक इन बिचारों के लिए मामलात हम खड़े करते रहेंगे? इससे पहले फ्रांस में किसी बंदे ने उनको वीडियो की तो यहाँ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। लोगों के जज्बात हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बड़ी तकलीफ होती है हमें जब भी कोई बात करता है, और क्यों ना करें, हमें तकलीफ हो। हमारा तो सारा दीन ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कुर्बान है, हम सब की, हमारी इज्जतें, हमारी जानें कुर्बान है। लेकिन द पॉइंट इज कि हमें कितना बुरा लगता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करता है, और लगना भी चाहिए, और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, और हमें बताना चाहिए कि ये हमारे दिल के कितनी करीब चीज़ है जब आप हमारे नबी के बारे में ये बात करते हैं। इसी तरह अगर ये लोग हैं, अगर हम इन लोगों की इबादत गाहों के ऊपर हमले करेंगे और टेक ओवर कर लेंगे तो हम मगरब को क्या बता रहे हैं कि दीन इस्लाम इस तरह का है? और कुछ लोग, जो खवातीन, पहले हमने देखा कि जो एक मजहबी जमात के लोगों ने ये मूवमेंट चला दी पाकिस्तान में और कहा कि जी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो। आज अगर इस तरह खवातीन एक चर्च के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी, उसके अलावा होता यह है कि एक बंदा
जो है जब कोई कानून है उसको अपने हाथ में ले लेता है, तो स्टेट के पास क्या पावर रह जाती है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, क्या स्टेट प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। हमने हम एक पहले ही एक इंटरनेशनल इस इश्यू में फंसे हुए हैं। अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान जो है वो 57 इस्लामिक ममालिक में अकेला मुल्क है जिसने ये कहा कि हम जो इस्लामोफोबिया पे बात भी करेंगे और हम फ्रेंच गवर्नमेंट और बाकी हुकूमतों से बात करेंगे, लेकिन इस तरह जाके ये कहना कि आप फोर्स करना किसी को, इज दिस समथिंग विच इज वेरी राइट। मैं समझता हूं कि हम सब हम जितने मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हम सबका हक है कि हम अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, उनकी इबादत गाहों की प्रोटेक्शन करें, उनको ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और ये हमारा मजहब इस्लाम कहता है। अब आज नर्सिस आ गई, कल को कहीं पे और किसी ने कुछ कर दिया, देखिए कहीं एक वीडियो कहीं पे अपलोड हुई, उसका कसूर यहां पे हम क्यों लोगों को दे सकते हैं? या कि आप समझते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में कुछ होगा तो उसकी जो उस कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में उनको सजा मिलनी चाहिए? क्या हम इस तरह एक अच्छे जस्टिस सिस्टम की रवायत रख पाएंगे? अब आप और हम ये फोर्स करें, देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मसाजिद हैं, हमारे पास इतने मदरसे हैं, हम नाते रसूल मकबूल पढ़ते हैं और जितना नात में मजा आता है। ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आप सुन रहे थे कमर चीमा को, कमर चीमा इतना संत महात्मा वाली बातें कर रहा है, ये सुनकर तो आपको भी बड़ा सदमा लगेगा, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा हो रहा है, सुधर रहा है, पता नहीं कैसे। तो पाकिस्तान की एक चर्च में हुआ ऐसा कुछ कांड कि पाकिस्तान की चर्च में घुस गई नर्स, नर्स की बात कर रहा हूँ, कोई मुल्ला मौलाना या ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नर्स घुस गई और वहाँ पर वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगीं, कुरान पढ़ने लगीं और मतलब ऐसी चीज़ें कुछ करने लगीं जिस, और बाद में उनका प्रयास यह था कि जो चर्च के फादर थे और जो वहाँ पर क्रिश्चियन थे वो इस्लाम कबूलें, इस तरीके की कुछ कोशिश थी। हालांकि आपको भी पता है कि इस आजकल की दुनिया में वीडियो बन जाते हैं। वैसे भी पाकिस्तान पर अभी ईयू ने एक एक्शन लिया है जो कि बेसिकली अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसी को लेकर था, और ये वीडियो अब और पाकिस्तान को डुबोएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान में ये उनकी गलती नहीं है पाकिस्तानियों की कि वहाँ के लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत में आज से नहीं हो रहा है, ये भारत में पिछले 1000 साल से हो रहा है। आपको भी पता है भारत में जितने लोग यहाँ पर हैं वो कौन हैं, वो वही लोग हैं जो यहाँ की मिट्टी के हैं, लेकिन बेसिकली अब जो इन्वेडर आते थे उनको उनका एक ही उद्देश्य था कि कन्वर्ट करके वो किसी तरीके से इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो प्रूफ है आपके पास। आपको भी पता है कि एक हिंदू मंदिर के सामने, एक पुराने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर के सामने ज़बरदस्ती मस्जिद बनाना या मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाना, ये भारत में कोई पुरानी बात नहीं है, ये हर जगह आपको दिख जाएगा। तो ये भारत में होता रहा है, भारत मतलब मैं बात कर रहा हूँ पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की। तो ये भारत में कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये अब वो ट्रेडिशन तो फॉलो करेंगे आज के लोग, भले आज वो नर्स हों या मौलाना हों या कोई क्रिकेटर हो। पाकिस्तान का क्रिकेटर अहमद शहजाद आपको याद होगा, उसने दिलशान जो श्रीलंका का एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, तिलक रत्न दिलशान, उसको मतलब लाइव मैच खत्म होने के बाद कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी। उसने ये बोला था कि इस्लाम अपना लो, क्योंकि दिलशान की शायद माँ या बाप कोई इनमें से एक मुस्लिम है, लेकिन दिलशान बेसिकली बुद्धिज़्म को फॉलो करता है। तो वहाँ पर कोशिश की गई थी कि उसके द्वारा कि आप इस्लाम अपना लो। आप सोच लो, क्रिकेटर कोशिश कर रहा है, पढ़ा लिखा, ऑन टीवी लाइव कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लोग क्या किसे मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कमर चीमा लोग? बेसिकली ये तो कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि कयामत आने से पहले सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाएंगे, इस तरीके की बात आप करते हो तो ये तो होगा। और रही बात ईसाइयों की, तो ईसाइयों का आपको भी पता है इंडिया में तो बहुत स्कोप है, ईसाई भी बढ़ चढ़ के कन्वर्जन करते हैं इंडिया में। आपको भी पता है अगर आप कहीं पे कभी आपका किसी मिशनरी से सामना हो गया होगा तो वो आपको बाइबल देने लगेगा, इस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं। ईसाई बेसिकली इस समय आदिवासियों को टारगेट करते हैं, भारत में जो ST/ST के लोग हैं उनको टारगेट करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। तो ये भारत में भी ये बहुत चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कट्टर देश में ईसाई ऐसा कुछ कर नहीं सकते, आपको भी पता है।
तो दोस्तों बेसिकली ये कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम है, और हिंदू धर्म में ऐसा कभी किया नहीं है, और अब इनको देखकर हिंदू धर्म को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको भी पता है भारत में भी कन्वर्जन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और अब तो खैर इसके बारे में बात होने लगी नहीं तो पहले तो आपको भी पता है नाम बदल कर किसी हिंदू लड़की से शादी करके बाद में बताना कि मैं इस धर्म का हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये चीज़ें अब टी वी पर सामने आने लगी हैं, पहले इस पर कोई बात नहीं करता था। हालाँकि अभी भी लोग इस बात को लेकर भ्रम में है कि ये सब फेक है, ये है, बहुत सारे केस सही भी हुए हैं और ज़्यादातर केस सही हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। अगर लव जिहाद नाम का वर्ड इसी वजह से इन्वेंट हुआ है, अगर आपको प्यार करना है तो आप अपना असली नाम बताकर शादी करो ना, तो वो सही चीज़ होगी, सामने वाला भी कन्वेंस होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दुनिया की ताकत, भारत का कानून आपको हक देता है कि आप शादी कर सकते हो, लेकिन छुपा कर करोगे तो ये दिक्कत है। तो दोस्तों पाकिस्तान में ये चीज़ कोई नई नहीं है, पाकिस्तान में आपको पता है हिंदू लड़कियों को तो हर हफ्ते कन्वर्ट किया ही जाता है, लड़कों को नहीं किया जाता, लड़कों को भी किया जाता है लेकिन फिर वो उनको दर्जा नहीं देता, फिर उनसे मतलब उस तरीके का उनके साथ व्यवहार नहीं होता। हिंदू लड़कियों को बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है, क्रिश्चियनों को कन्वर्ट किया जाता है, सिख ले देकर 20,000 से कम बचे हैं, तो सिखों को थोड़ा सा स्कोप है पाकिस्तान में इस वजह। हालाँकि सिख में जो मतलब गुरु नानक साहब की जो सबसे बड़ी मतलब मस्जिद कह रहा हूँ मैं, गुरुद्वारा है, उसकी ग्रंथी की लड़की को आपको याद होगा 2-3 साल पहले केस आया था, कन्वर्ट करके कैद कर दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि सिखों को लेकर पाकिस्तान का एक तरफा प्यार है, तो बाद में उस लड़की को छोड़ा गया और परिवार को सौंपा गया। ग्रंथी की लड़की गुरुद्वारा मतलब जो गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये केस मिल जाएगा यूट्यूब पर, बड़ी आसानी से पड़ा हुआ है, आप सर्च करें मिल जाएगा आपको। भारत में भी ये प्रॉब्लम है आपको भी पता है, लेकिन भारत में जैन बुद्ध सिख ये तीन धर्म भी हैं, हिंदू धर्म भी है, कभी कोशिश नहीं करते किसी को सिख, कभी कोशिश नहीं करता कि ज़बरदस्ती किसी को सिख बनाने की, जैन कभी कोशिश नहीं करता, बुद्ध कभी कोशिश नहीं करता, पारसी तो बेचारे बहुत कम है ले देके, तो वो कोशिश भी नहीं करते, तो आप समझ सकते हो। ईसाई करते हैं डेफिनेटली, भारत में मिशनरी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी अब ये छुपी हुई बात नहीं है, मुस्लिम तो करते ही करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें बंद नहीं होंगी, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, क्योंकि आपको आपका जब टारगेट ही है मैं इस्लाम फैलाना है किसी ना किसी तरीके से क्रिश्चियन बनाना है किसी ना किसी तरीके से, तो ये होती रहेंगी। गाइज ये वीडियो होता है खत्म, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।